टीवी पर कई सारे ऐसे शोज आते हैं जिनके बंद होने पर फैंस दुखी हो जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि शो को बंद ना किया जाए, लेकिन ये तो होकर ही रहने वाला है क्योंकि शो जो है अब बंद होने वाला है और वो भी कोई और शो नहीं बल्कि आपका पसंदीदा शो। ये उन दिनों की बात है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट इन लाइफ, मैं हूँ आपकी होस्ट हिमांशी। जैसे कि आप जानते हैं कि समीर और नैना की लव स्टोरी ने हर किसी का दिल जीता। ये स्टोरी जो है रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड थी। ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसका हर किसी ने लुत्फ उठाया। इसमें दुख, सुख और साथ ही साथ मस्ती भरा पल भी देखने को मिला। लेकिन अब वक्त जो है बहुत करीब आ गया है। जी हाँ, खबरों की माने तो हमने आपको बताया है कि सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला ये शो, यानी कि आपका पसंदीदा शो, ये उन दिनों की बात है, जल्दी ऑफ एयर होने वाला है। ऑफ एयर होने पर फैंस के रिएक्शन, यानी कि आप लोगों के रिएक्शन आए हैं और हर कमेंट में यही हमें देखने को मिल रहा है। हर कोई यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ शो को ऑफ एयर ना करें। दरअसल ये शो है ही इतना खास, इतना इंटरेस्टिंग और इस तरीके से इसमें लव स्टोरी दिखाई गई है जो कि हर कोई बड़े ही आसानी से रिलेट कर सकता है खुद की लव स्टोरी से। ये कहानी शुरू हुई थी नैना और समीर से। जी हाँ, स्कूल लाइफ से कहानी शुरू हुई और देखिए आज दोनों शादी के बंधन में बन गए हैं। दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं और अब जो है फाइनली दोनों सेटल होने जा रहे हैं। दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अप्रिशिएट करी गई है। रणदीप राय ने समीर का रोल प्ले किया, वहीं आशीष सिंह नैना के रोल में नजर आई। एक ऐसी लड़की जो कि पढ़ाई से ताल्लुक़ रखती है, प्यार व्यार से उसको कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में समीर आता है तो कहीं ना कहीं वो रोमांस जो कि वो इमेजिन करती थी सलमान और माधुरी को याद कर करके, वही रोमांस उसे समीर में नज़र आया और उसने अपना प्यार जो है समीर में पाया। लेकिन इस प्यार में ढेर सारी रुकावटें भी आई थी। हाँ, फैमिली का ड्रामा, साथ ही साथ अलग अलग चीज़ें इन्हें फेस करनी पड़ी, लेकिन समीर नैना आज साथ में है। दोनों के बीच में डाइवोर्स की बात भी आई थी जिसको लेकर फैंस उदास हो गए थे। कहीं ना कहीं टीआरपी की वजह से भी शो को बंद करने का कहीं ना कहीं इशारा मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से देखा ये जा रहा है कि ये उन दिनों की बात है को टीआरपी नहीं मिल पा रही है। जी हाँ, पहले एक वक्त था जब शो को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, टीआरपी अच्छी आई थी, टॉप 10 में ये शो अपनी जगह बना पाया था, लेकिन अब जब समीर नैना के बीच में लड़ाइयाँ हुई, दोनों के बीच में दूरियाँ और रोमांस कम हो गया तो टीआरपी में काफ़ी फर्क देखने को मिला। लेकिन ये वजह तो है ही, दूसरी वजह ये भी है कि अब कहानी में कुछ रह नहीं गया है। जी हाँ, अगर देखा जाए खबरों की सुने और देखे भी तो कहीं ना कहीं अब जो है कुछ रह नहीं गया है दिखाने को, और बिना मतलब की कहानी को खींचना और उसे बढ़ाना ये भी सही नहीं है। जो शो के डायरेक्टर हैं वो, उनका मानना यही है कि बिना मतलब की कहानी को खींचना और ऊट पटांग चीजें दिखाना उससे अच्छा है कि शो को ऑफ एयर कर दिया जाए। लेकिन इस पर हमारे फैंस उदास हैं, उनका रिएक्शन काफी ज्यादा निराशाजनक आ रहा है। सबसे पहले हम कमेंट पढ़ लेते हैं। सोनाली लिखती हैं, प्लीज़ प्लीज़ शो को ऑफ एयर मत कीजिए। तो वहीं एक बहुत ही लंबा सा मैसेज भेजा है रेनू आतले ने, जो लिखती हैं, प्लीज़ डू नॉट क्लोज दिस शो, दिस शो इज़ द यूनिक शो। कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि शो की कहानी को लोग कितना इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हर कहानी से हटकर इस कहानी को बनाया गया और ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं बल्कि किसी की ज़िंदगी पर आधारित कहानी थी। ये एक ऐसा कपल था जिन्होंने अपनी कहानी पर ही सीरियल बना दिया जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। वहीं इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर ये शो बंद होता है तो किस कई सारे लोगों के जो है दिल टूट जाएंगे। उसके बाद लिखती हैं इमरान खान लिखते हैं, प्लीज़ प्लीज़ शो को ऑफ एयर ना करें, मेरा फेवरेट शो है और सभी लोग देखते हैं घर के, मतलब फैमिली वाला शो है ये, हर कोई इसे पसंद कर रहा था। नैना समीर की कहानी को हर किसी ने काफ़ी पसंद किया, इस जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया, रियल लाइफ केमिस्ट्री पर काफ़ी लोगों ने ढेर सारे कमेंट्स भी करे थे, क्योंकि रणदीप और आशी काफ़ी यंग कपल माने जाते हैं, इनके बीच में रोमांस भी अगर होता तो दर्शक काफ़ी पसंद करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं रणदीप और आशी ने अपने प्यार को लेकर कभी कन्फेशन नहीं किया और शायद इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ दोस्ती ही रही, तभी अभी तक दोनों ने एक दूसरे को लेकर कोई भी डेटिंग पर या फिर किसी और चीज पर रिएक्ट किया ही नहीं, रिएक्शन कभी नहीं मिला दोनों की तरफ से। लेकिन अपने फैंस के लिए, अपने जो व्यूअर्स थे उनके लिए हमेशा इन लोगों ने एक साथ इवेंट पे गए हैं और कई सारी चीज़ें भी करी जो कि हमारे फैंस को काफ़ी पसंद आई। तो वहीं अंजलि राणा लिखती हैं, प्लीज़ डोंट एंड दिस शो, प्लीज़ प्लीज़ शो को मत बंद करो। किरण लिखते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि ये चाह रहे हैं कि शो को ऑफ एयर ना करें, लेकिन एक फिक्स डेट जो है वो आ गई है,
उस दिन शायद शो ऑफ हो सकता है। वेल, ये तो रही हमारे फैंस की और व्यूवर्स की बात, लेकिन जो स्टार्स होते हैं जो इस शो में कास्ट करे जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी इस चीज़ को फेस करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी समय से लोग एक साथ शूट करते हैं, एक साथ आना जाना, सेट पर मस्ती करना, खाना पीना और इवेंट्स पर जाना और शोज़ पर आना अलग अलग, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में भी एक यूनाइटनेस आ जाती है, एक बॉन्डिंग हो जाती है, और वो बॉन्डिंग जो है आप फैंस भी मिस करेंगे और साथ ही साथ रणदीप, आशी और बाकी के लोग भी मिस करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो शो के ऑफ एयर होने पर फैंस के साथ साथ रणदीप, आशी और बाकी लोग भी उदास हैं। लेकिन क्या शो को ऑफ एयर होने से कोई बचा सकता है, या फिर कहानी को और कैसे खींचा जा सकता है? क्योंकि अगर कहानी को बढ़ाना है तो कुछ और नयापन लाना पड़ेगा, और नयापन लाने के लिए कहानी में कुछ और इंटरेस्टिंग मोड या फिर न्यू कास्ट करी जाएगी, लेकिन ये सब करना बहुत मुश्किल है और ऐसा लग रहा है कि शो को ऑफ एयर होने से कोई नहीं रोक सकता है। वेल, अगर आपको लग रहा है कि टीआरपी की वजह से शो ऑफ एयर हो रहा है या फिर कोई और बड़ी वजह है, तो आप हमसे जरूर शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के जरिए। पर फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको लग रहा है कि ये उन दिनों की बात है को कोई और टीवी शो टक्कर दे सकता है, तो कमेंट्स में ये भी जरूर शेयर करें। पर फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।